दोस्तों मेरे हेलीकॉप्टर से जब मैं कूदा था, मैं इस पेड़ पर आके गिरा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है दोस्तों। ओह नो, मैं उतर भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, हेलीकॉप्टर ने जब मुझे ऊपर से गिराया तो मैं इस पेड़ पर आके लटक गया, लेकिन मुझे उतरना पड़ेगा क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन खतरनाक बीहड़ों से बचकर निकल सकते हैं। तो मैं अब नीचे आ रहा हूँ दोस्तों। ऐसे बीहड़ों में ऐसी दिक्कतें आम बात है, ये होगी ही। आमतौर पर मैं हमेशा अमेज़न और पनामा के जंगलों में गया हूँ, लेकिन आज इस खतरनाक बीहड़ पर आया हूँ। oh, no. और ये है गोल्ड फ्लैग का खतरनाक जंगल। दोस्तों बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ पर जीवन बचाना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सही तकनीक के साथ आप कैसे इन भयानक बीहड़ों से बच सकते हैं। oh, oh, no. मुझे कांटा लग गया है और ऐसे कांटे ये जंगलों में कहीं भी लग सकते हैं। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता। अमूमन ऐसे जंगलों पे जब आप होते हैं, कई बार आपको कीड़े मकोड़े या कांटों से डर रहता है, लेकिन मैं आपको सही तकनीक बताने वाला हूँ। मुझे इस जंगल पे आए हुए पूरे 3 घंटे हो चुके हैं और शाम होने वाली है और अब मुझे भूख लग रही है। और ऐसे जंगल में तमाम ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ आपको खाने को मिल सकता है, तो आप मेरे साथ चलिए क्योंकि मैं अब ऐसे पेड़ों के पास जाने वाला हूँ जहाँ मुझे कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि मुझे अब बहुत तेज भूख लग रही है। oh, no. आइए मैं आपको पेड़ बताता हूँ। भूख से मेरा बुरा हाल है और मैं अब जिस जगह पे आ गया हूँ, ये सब आप यकीन नहीं मानेंगे, ये नमकीन के पेड़ हैं। oh, no. और मुझे नमकीन ढूंढनी है। ये देखिए, इस पेड़ पर नमकीन लगी हुई है और ये बहुत अच्छे संकेत है। मैं एक नमकीन इसमें तोड़ ली है और अब मैं ये नमकीन जो है ये खाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से भूखा था। इसे आमतौर पर अगर आपको पेड़ों की जानकारी होगी तो ऐसे बीहड़ों से आप निकल पाएंगे, तो ये नमकीन मुझे मिल गई है। बहुत थक गया था मैं, इस नमकीन ने मुझे एनर्जी दे दी है। और भी पेड़ है, मैं सारी नमकीन तोड़ लेता हूँ क्योंकि ये नमकीन मुझे एनर्जी देती रहेंगी। ये तो मुझे मिल गई है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही कसीला है। लेकिन जान बचाने के लिए आपको ऐसी चीजें खानी पड़ेंगी। मैं खाता हूँ इसको। कुछ नहीं होता है तो यही चीज आपको जंगल में जिंदा रखती है। अब मुझे पानी ढूंढना है, इस बीहड़ में पानी कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और अब मैं पानी के पेड़ों के पास आ गया हूँ दोस्तों। देखिए गौर से देखिए इन पेड़ों को, ये है पानी के पेड़ और मैं यहाँ पानी ढूंढने वाला हूँ। आमतौर पर ऐसे पेड़ों के जड़ों के नीचे पानी पाया जाता है। ये देखिए मुझे पानी मिला है और ऐसे जंगल पर पानी मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब मेरे पास चखना है, नमकीन और ये पानी। बस मुझे चाहिए अब दारू। बस दारू मिल जाए तो ये जंगल मेरे लिए स्वर्ग सा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि फिर मैं सारे गम भुलाकर इसी जंगल पर रहने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस पानी से और चखने से यहाँ बैठकर दारू पी सकते हैं। हाँ दोस्तों, आमतौर पे ऐसे जंगलों पे मुझे जबरदस्ती भेजा जाता है। मैं
अपनी जान की बहुत फिक्र करता हूँ। oh, no. लेकिन ये चैनल वाले मुझे जबरदस्ती भेजते हैं। मुझे अभी नमकीन का पेड़ मिला था, जरा सोचिए अगर मुझे नमकीन का पेड़ ना मिला होता तो मैं भूखा मर जाता। लेकिन मैं घर से आते वक्त अपने साथ हमेशा खाने के लिए लेके आता हूँ ये बिस्कुट है। सच बताऊं तो घर से आने के पहले, इस जंगल में आने के पहले, मैं अपने बेटे का, मेरा बेटा है एक छिद्दू, उसका मैं बिस्कुट चुरा कर लाया था और साथ में उसका खिलौना भी लाया था। क्योंकि जंगल में जब आप भटक जाते हैं तब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब आप इन खिलौनों से खेल सकते हैं। और अगर आज की रात मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाता तो मुझे यही बिस्कुट खाकर जिंदा रहना पड़ेगा। oh, no. और इस खिलौने से मैं रात को खेलूंगा जिससे मुझे किसी की याद ना आए। अब मैं बिस्कुट खाता हूँ। से जंगलों पर बहुत तेजी से भूख लगती है। जान बचाने के लिए आपको खाते पीते रहना चाहिए। अरे ये क्या, ये तो मैगी का पेड़ है। oh, no. और इसमें यिप्पी नूडल्स है, मैं इसे तोड़ूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये एक मैगी का पेड़ है जो मुझे मिला है। अब मैं इसे बनाऊंगा और पेट भर कर खाऊंगा। ऐसे जंगलों पे अगर आपको पेड़ पौधों की जानकारी है तो आप इन बिहड़ों से जिंदा बचकर जा सकते हैं। मैं अपने बैग पर हमेशा, देखिए, एक कटोरा लेकर चलता हूँ क्योंकि जहाँ मुझे ऐसे पेड़ मिलते हैं मैं गरम गरम मैगी बनाकर खाता हूँ। और मैं आज आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ चूल्हा बना लिया है और अब मैं इस पर मैगी बनाने वाला हूँ क्योंकि मुझे मैगी और पानी दोनों ही मिले हैं। लेकिन मेरे साथ नुकसान हो गया है, मेरा चश्मा इस जंगल में कहीं खो गया है। oh, no. लेकिन हमेशा जंगल जाते समय मैं एक और चश्मा अपने साथ रखता हूँ क्योंकि मैं बिना चश्मे के नहीं रह पाता। तो अब मैं आग लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। अमूमन जंगलों में पत्थरों से आग नहीं लगाता मैं अपने साथ हमेशा माचिस रखता हूँ। माचिस से आग जल्दी लग जाती है। आप भी जब कभी जंगल जाए तो अपने साथ माचिस लेकर जरूर जाए। मैं मैगी बना चुका हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत मुश्किल पड़ गया मुझे मैगी बनाना। एक बार पूरी मैगी गिर गई थी लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों जंगलों में जब बिहड़ों में आप फंसते हैं तब सबसे बड़ा साथी आपका, आपकी हिम्मत होती है। और साथ ही दूसरा सबसे बड़ा जो साथ होता है वो होता है आपके मोबाइल फोन का। जी हाँ दोस्तों, जब आप कभी किसी बिहड़ पर जाएं तो अपने साथ अपना मोबाइल हमेशा लेकर जाएं क्योंकि जब आप बोर होने लगते हैं, कुछ आपको नहीं दिखता, तब एक यही है जिसके सहारे आप जंगल में समय बिता सकते हैं। और जब अगर आपका कहीं मन ना लगे तो आप कहीं भी जंगल में लेट जाएं और यूट्यूब पर आरके फिल्म्स महोबा की वीडियो देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बर्तन बहुत ज्यादा काला हो चुका है। oh, no. दोस्तों मुझे जब घर पहुंचूंगा इस जंगल से तो ये बर्तन मुझे धोकर ले जाना होगा वरना मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। और इस धुएं की वजह से मैं भी बहुत काला हो गया हूं। और मेरी माँ जब मुझे ऐसा काला देखेंगी तो वो मुझ पर गुस्सा करने वाली है। इस मैगी खाने के बाद मैं अपना सुंदरता का भी ख्याल रखूंगा, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो मेरी मैगी बन चुकी है, अब मैं मैगी खाने वाला हूँ। गोल्ड फ्लैग के जंगलों में आने का एक यही फायदा है कि यहाँ अगर आपको जानकारी हो तो मैगी का पेड़ और पानी का पेड़ मिल सकता है। दोस्तों अब मैं इसे खाने वाला हूँ। ये बहुत ही लाजवाब बनी है, बहुत ही बढ़िया। शाम हो रही है लेकिन सूरज ढल नहीं रहा है। हाँ, सूरज नहीं ढल रहा है और शाम हो रही है और
मैं अब जाऊंगा जंगल के दूसरी ओर, क्योंकि मुझे कैसे भी कर इंसानों की बस्ती तक पहुंचना है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेकअप का ख्याल रखता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसे जंगल पे आके मैं काला जाऊं, काला पड़ सकूं। अब मुझे खुद को गोरा करना है, और गोरा करने के बाद मैं जाऊंगा जंगल के दूसरी तरफ और आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंसानों की बस्ती तक पहुंच सकते हैं। तो लीजिए, मैंने पूरा मेकअप कर लिया है और अब मैं निकलता हूं। जरूरत के सामान और बेटे का खिलौना लेना कभी ना भूलें। ओह माय गॉड, वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है जो इस बात का संकेत देता है कि मैं अब इंसानी बस्ती के करीब हूँ। देखिए, वो बैठा हुआ है। अब मैं उसके पास जाने वाला हूँ और उससे बात करूंगा कि यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। भैया, क्या मैं इंसानों की बस्ती तक आ चुका हूँ? यस यस यस। ये बियर किसकी है? ये मेरी है। क्या मैं एक बियर पी सकता हूँ? क्या क्या बुवा दी? एक दे दो। नहीं, एक बियर। ओके, पी सकते हो। अब मैं ये बियर पीने वाला हूँ, और ऐसे इंसान हमारे साथ रहते हैं जो अपनी बियर किसी को पिला सकते हैं। जरा सोचिए कितने अच्छे हैं हम आजकल के इंसान। मारो, बहुत कसीला स्वाद है इसका। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे इंसानों की बस्ती तक पहुँचना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, कुछ लोग, लड़के और लड़कियां यहाँ रोमांस कर रहे हैं झाड़ियों के बीच में। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं अब इंसानी बस्ती पर आ चुका हूँ, बस थोड़ा दूर होगी, क्योंकि ऐसे जंगलों पर ऐसे लोग रोमांस करने आते हैं। मैं इनको पत्थर मारता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं इनको पत्थर मारकर डिस्टर्ब करूंगा। ये क्या कर रहे हो? कौन है तुम? ये क्या कर रहे हो? मैंने देखा दोस्तों, अभी आपने देखा है। मैं इन लोगों को अब आपके सामने लाने वाला हूँ। इधर आओ, इधर आओ जल्दी। तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे थे? रोमांस कर रहे थे। इस जंगल में क्यों? तो क्या घर है करिएगा? मैं, तुम लोगों की एक हेल्प चाहिए। मैं जंगल पे भटक गया था। अरे यार, जहाँ मन नवत है मरे तो भाषण न सुना। चल चलिए अपन घर। ये कौन है तुम्हारी? ये मेरी होने वाली। हमें हमें इसका चेहरा दिखवा दो। मैं दिखा दो। एक बार कहो इनसे कि ये चेहरा दिखा दे। मैं दिखा हूँ। ये तो बहुत कसीली है, तुम्हें शर्म नहीं आती? एकदम पूरा मूड खराब कर दिया। भाई जा, जाकर जहाँ जा तो गए। ते आगमा रोमांस खराब करा गया। चल, तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ इंसानी बस्ती पर, और अब मैं घर जाने वाला हूँ। और पूरे जंगल के बारे में मैंने आज आपको बताया है कि कैसे आप जंगल से बाहर जा सकते हैं, और कैसे मैं अपनी पूरी यात्रा पर इंसानी बस्ती तक पहुंचाऊं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए।